Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Bless you, Lord. Bless your holy name. Bless your holy name, Jesus of Nazareth. Bless your holy name. Bless your holy name. Praise the Lord, brother. Hallelujah. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Second brother. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name. Praise the name. Blessed be the name of the Lord. 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 Jesus. Thank you, Yeshua. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Brother Raman, please dua mange, prarthana karein. Dua karein, brother. धन्यवाद धन्यवाद सब शक्तिशाली महान पिता परमेश्वर यहोवा, हमारे राजा, हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे प्रभु यीशु, हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं. तेरे अति पवित्र नाम को धन्य धन्य कहते हैं पिता. तू इस ब्रह्मांड का रचयिता, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है. तेरे तुल्य कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर. अद्भुत तरीके से तूने हम सबको रचा है और तू अपनी मुट्ठी खोल कर हम सबको आहार से, हर प्राणी को आहार से सचमुच ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है पिता परमेश्वर यहोवा, कि तू हमें अपनी अपनी संगति में लेकर आता है ताकि हम तुझसे कनेक्टेड रहे परमेश्वर. हम उन बाहरी ताकतों से जो हमारे मनों पर, हमारे दिलो दिमाग पर गलत प्रभाव डालती है, तू उनसे बचाने के लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें, हमारे जीवनों को प्रकाशित करता है, हमारे जीवन में रोशनी भरता है पिता परमेश्वर. हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता. प्रभु जी, इस संगति पर, इस जो हम इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा जो वचन सुनने के लिए परमेश्वर यहोवा, तो उस पर अपनी आशीष का हाथ रख. हम में से हर एक को आत्मिक रूप से बलवंत कर पिता परमेश्वर, और हर प्रकार का डर, खौफ और डिप्रेशन और चिंता, ऐसी जो बातें हैं पिता जो हमारे जीवनों में चलती रहती है, उन सब से तू हमें मुक्त कर, हमें ताकत दे, स्ट्रेंथ दे परमेश्वर, कि हम इन ताकतों से अच्छे से मल्ल युद्ध कर सकें परमेश्वर. ताकतवर बना हमें परमेश्वर. प्रभु जी, तूने हमें अपनी सेना में अगर शामिल किया है तो हम सिर्फ उन चीजों के उसपे ना रहे कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा. नहीं परमेश्वर, हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए ताकतवर बने पिता, उस लड़ाई को लड़ें और विजय हासिल करें तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह. हम यही सामर्थ्य तुझसे मांगते हैं आज, तेरे सामर्थ्य नाम, प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं. आमीन और आमीन. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मीना चड्डा के लिए जो ऑनलाइन है. प्रभु, मीना चड्डा को मैं आपके खून में छिपाता हूँ यीशु मसीह, आपके लहू के साये के नीचे मीना चड्डा को लेकर आता हूँ. प्रभु, आपकी परम पवित्र उपस्थिति यीशु मसीह मीना चड्डा के जीवन में काम करे. हल्लेलुया. प्रभु, आपके लहू की जय हो. प्रभु, उनके घराने में आपके लहू की जय हो यीशु मसीह. इस आपकी दासी के लिए मार्ग खुले, जॉब के लिए प्रभु
ये दिल में सोचती है सब मार्ग बंद हो गए हैं, पर प्रभु यीशु मसीह तू तो स्वयं में मार्ग है, तू खुद मार्ग है यीशु मसीह, तो मैं तेरा लहू छिड़ता हूँ इसके लिए प्रभु, इसके जीवन के ऊपर अपनी आशीष से प्रभु जी अपनी इस बेटी को भर। हालेलुया, तेरा जलाली नाम इसके जीवन में ऊंचा हो प्रभु, इसके हृदय को अंदर से शांति से भरता, और प्रभु इसे अपना दर्शन देना और उसे दिखाना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कानों ने सुना नहीं, आंखों ने देखा नहीं, ना मनुष्य के चित्त चढ़ी वो अद्भुत बातें जो यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो, यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। आपको मेरी आवाज हेलो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज। ओके, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। हम और प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन में जुड़ते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। विक्की नेगी भाई जी आप आइए ऑनलाइन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपके लहू की जय। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम, लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम। सिस्टर जॉयस मुनीर फ्रॉम फिलाडेल्फिया यूएस, प्रेज द लॉर्ड, आई आल्सो वांट यू टू कम, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर परमेश्वर ने आपके छोटे बच्चे को नया जन्म जीवन दिया। हाँ जी, हाँ जी, पास्टर, में छोटी सी गवाही बताइए प्रभु के लोगों को, प्रभु की महिमा के लिए। सबको जय मसीह की, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे बच्चे को बचाया, मेरा बच्चे को एकदम से अटैक आ गया था, बुखार का अटैक अचानक से। तो वो मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी बिल्कुल, मतलब वो आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था। मैं उसको देख के एकदम से घबरा जैसा गया था बिल्कुल। उसको कितना टेम्परेचर था ये भी बताएं? टेम्परेचर उसको बता रहा था कम से कम 114। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिस इज अनइमेजिनेबल छोटे से बच्चे के लिए। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। और उसका टेम्परेचर 114 बता दे, मैं हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने ये बोला था कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, इसका बचना थोड़ा मुश्किल है। जी। तो मैंने पास्टर जी को फोन किया था, मैं घबरा गया था, मैंने पास्टर को फोन किया, पास्टर जी ने प्रेयर की, कलीसिया के लोगों ने प्रार्थना की, तो एकदम से मेरे बच्चे ने मेरे को एकदम से पापा बोल दिया, और एकदम से मैं चौंक गया, बिल्कुल चौंक गया एकदम से, मतलब कि एकदम नया जीवन मिला बच्चे को बिल्कुल। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया, उसके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, प्रभु जी उस बच्चे को और उस भाई को, भाई नेगी को आपके लहू में छिपाते हैं। आपने जो अद्भुत काम किया प्रभु, उसके लिए सारी महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही ने ये काम किया। हम तो केवल अर्चना, याचना, मिन्नत करने वाले आपके नौकर थे, आप चंगा करने वाले हो। उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़ी योजना है, वो बच्चा बड़ा हो के प्रभु जी एक अद्भुत बच्चा बनेगा, इसलिए आपने उसको बचाया, इसीलिए वैरी ने उसके ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि परमेश्वर के बड़े उद्देश्य उस बच्चे के जीवन में छिपे हुए। प्रभु आपके लहू की जय जयकार हो, आपके नाम को जलाल देते यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से आमीन, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। ब्रदर सिस्टर जॉयस मुनीर जी अगर आप आ सकती हैं फ्रॉम फिलाडेल्फिया, पास्टर अर्नेस्ट जी की मिनिस्ट्री के संग, अर्नेस्ट मल की मिनिस्ट्री के संग कनेक्टेड है। सिस्टर जॉयस इफ यू कैन शो अप दैट विल बी रियली ग्रेट। हालेलुया, पलूस खोखर जी, पास्टर पलूस जी, हालेलुया, परमेश्वर के दास पास्टर पलूस जी, हालेलुया। प्रार्थना करें, छोटी सी दुआ मांगे, दुआ करें। हालेलुया, ता महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सच्चे जिंदे जलाली खुदावन खुदा हो आप पिता, आपका धन्यवाद करते ये समय आपने हमारे जीवन में दिया परमेश्वर के, मिलकर फिर एक बार आपकी महिमा कर सकते पिता, हमारा मिलना और पिता आपके वचनों को सुनना पिता, आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों में पिता ये वचन जो आज हम सुनने जा रहे हैं, जो प्रार्थनाएं की जा रही है हमारे लिए और जितने बहन भाई। थैंक यू जीसस, प्रभु जी मैं भाई पौलुस को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चे को भी आपके लहू में छिपाता हूँ। हालेलुया, प्रभु भाई पौलुस के घराने पे दया करें, कृपा करें,
हालेलुया, प्रभु आपके जलाली नाम की जय जयकार हो, जलाली नाम की जय जयकार हो। यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद 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 यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपके नाम की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो, जय जयकार हो, हालेलुया। सिस्टर देविंदर कुलर जी हमारे संग हैं ब्रिटेन से। सिस्टर जी मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था पिछले दिनों में, आपके पति के लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके घर में शालोम, परमेश्वर की सच्ची शांति का वास हो, परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में वास करें। लॉर्ड आई प्रेजेंट देविंदर कुलर बिफोर यू, आई प्रे दैट योर हैंड विल बी अपॉन हर हस्बैंड। लॉर्ड यू विल ब्लेस हर, bless her spiritually, well, all spiritual blessing that you have reserved for them that love your son Jesus of Nazareth. And Lord, I pray that you anoint and touch, Lord, her children in the name of Jesus. I cover them all under your precious blood. Tere lahu ke saaye ke niche Prabhu ji main unhein chhipa deta hu. Hallelujah, tera dhanyavaad ho. Prabhu tere jalali naam ki mahima ho. Tere jalali naam ki mahima ho. Prabhu tera dhanyavaad. प्रभु देवेंद्र कुल्लर और उनके घराने के ऊपर तेरी करुणा हो, तेरी दया हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, अपनी आशीष से भर के प्रभु इन्हें अपने राज्य के लिए, ब्रिटेन में अपने कामों के लिए इस घराने को इस्तेमाल करना प्रभु यीशु के जलाली नाम में, आमीन। प्रभु मैं सिस्टर जॉयस मुनीर के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका लहू उनके ऊपर छिड़कता हूँ, उनके पति उनके बच्चों पर आपका लहू छिड़कता हूँ। लॉर्ड आई कवर देम अंडर योर ब्लड, and Lord, I bind her and her household with the covenant which Jesus sealed as he put up his signatures in his own blood. Lord, all the benefits and the blessing of the covenant, the contract that you made, Lord, may they fall upon your daughter, Joyce Munir, and her household. Yeshu Masih ke jalali naam mein ye prarthana hum mangte hain. Amen. Hallelujah. Prabhu, main bhai Ravi Prakash Gupta ke liye prarthana karta hu. उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को आपके लहू में छिपाता हूँ। आपके खून की कुदरत भाई रवि प्रकाश गुप्ता के घराने के ऊपर हो यीशु के नाम में। प्रभु मैं मंगल थापा को, मंगल मसीह थापा को आपके लहू में छिपाता हूँ, उसकी बेटियों को, उसके घराने को आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपके लहू की जय हो। प्रभु आशीषित करना, हैप्पी जाकू को आशीषित करना। प्रभु जी मैं आपके दास रॉबी जॉन को आपके लहू के साए के नीचे लेके आता हूँ। ब्रदर आज मैं सुबह आपको और आपकी पत्नी और बच्चों को स्मरण कर रहा था आत्मा में, मैं अपनी आत्मा में फील कर रहा था कि कुछ स्ट्रगल आ रही है, कुछ स्ट्रगल, और फिर मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर अपने अभिषेक को पोर आउट कर रहे हैं। This morning I was thinking about you. Lord, I bless brother Robbie John, his wife, his children, his household. Lord, and the ministry, the church, the flocks there, Lord, in that congregation. Bless them in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, I speak your blessing over Brother Raman Khan, Reena Khan, over their daughter, Lord, and over Brother Raman Khan's mother. Cover them under your blood. Prabhu, tera dhanyavaad ho. Prabhu, main prarthana karta hoon Binaya Sandeep Kumar ke liye, unki mother ke liye, unke bhai aur uski family ke liye. Aapki aashish ka haath khudaavan. Lord, I pray for Shikha Masih, that you bless Shikha Masih, that you cover her in your blood. I pray for Reema Shamim, plead your anointing over her household. I pray for Pastor Chandan Masih from Amritsar. Let your hand be upon your servant, Chandan Masih, Lord. Tera khoon tere daas ke upar main chadakta hoon. Tere lahu ki kudrat kholta hoon, Yeshu Masih ke jalali naam mein. Lord, I pray for Tanuja Seth. I pray for Rajan Seth. I pray for Srishti. I pray for Sukrut. I plead your blessing over them in the name of Jesus. Lord, this is your household. This is your family. May your hand be upon this home. Hallelujah. Yeshu ke jalali naam mein. Pastor Chandan ji, hamare saath hai. Brother, dua mange choti si. Prarthana kare. Aaiye dua mange. Khudavan ki hazuri mein. Hallelujah. Dhanyavaad. Dhanyavaad Khudavan Parmeshwar Pita. Dhanyavaad Parmeshwar Pita. Dhanyavaad karte hain Parmeshwar Pita. आप अद्भुत काम करने वाले खुदा हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में छुटकारा है परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति में
ओ प्रभु जी अनुग्रह है परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति में परमेश्वर पिता चंगाई है परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए प्रभु जो आपने हम सब के लिए दिया है प्रभु। जिस प्रकार आज सुबह मैं देख रहा था कि जेल के अंदर में जो कैदी हैं वो कैसे वचन के लिए अपने हाथ पैर को सांकलों से बाहर निकाल करके वचन को ले रहे थे, कितने भूख प्यास से देवर हंगर towards the word of God, hallelujah, Lord, उसी प्रकार से उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खुदा हमारे अंदर भी ये भूख और प्यास है ताकि हम तेरे वचन के लिए प्रभु तड़पे, हम तेरे वचन को हम पा ले, तेरे वचन को हम ढूंढ ले, तेरे वचन को हम खाएं, तेरे वचन में हम जिए। ओ प्रभु अनुग्रह का mold us, make us, Lord. Let your word dwell in our heart and mind and soul, Lord. तेरे वचन को हम चले खुदावन, तेरे वचन के ऊपर हम चले परमेश्वर, तेरे वचन को हम देखें परमेश्वर, तेरे वचन को हम बोले खुदावन, क्योंकि तेरा वचन ही जिंदगी है मेरे खुदावन। आपके दास के लिए, अपने आप को आपके दास के लिए और उन तमाम सुनने वाले लोगों के लिए जो सुनते हैं, और प्रभु वे धन्य हो जाएं तेरे वचन को पाके खुदावन। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल खुदावन मैं आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमेन। आमेन। मैं प्रार्थना करता हूं भाई चंदन के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए। प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ के नीचे रखना, और प्रभु वो सच्ची सेवा जो सोने की, चांदी की और कीमती पत्थरों की है प्रभु जी, वो सेवा जिसके साथ क्राउन जुड़े हुए हैं, वो सेवा जिसके साथ किंगशिप जुड़ी है, जिसके साथ गवर्नेंस जुड़ी है प्रभु, अनंत काल के लिए किंगशिप, गवर्नेंस और रॉयल प्रीस्टहुड के लिए आप हमें बुला रहे हो, और वो कंटिंजेंट है हम किस तरह की सेवा कर रहे हैं, सोने की, चांदी की, कीमती पत्थरों की या लकड़ी और घास फूस की। बहुतेरों को कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा स्वर्ग में, क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को पृथ्वी पे और पृथ्वी की संसारिक चीजों के ऊपर ही फोकस किया है, जो आज है कल नहीं होंगी, जो मैट्रिक्स है, इल्यूजन है, केवल भ्रम है। प्रभु आपका वचन कहता है ही दैट लवेथ द वर्ल्ड द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। प्रभु हम संसार से नहीं, आपसे गहरा प्रेम करने वाले आपके दास और दासियां बने। प्रभु अपने दास को ऐसी आशीष देना, बरकत देना प्रभु, सब जरूरतें अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। जय मसीह की ब्रदर, जय यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद। और बहुत से लोग हैं, मैं छोटा सा एक संदेश आपके साथ बांटूंगा, और संदेश के बाद भी हम प्रार्थना कंटिन्यू रखेंगे, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। मैं आपको परमेश्वर के वचन में पहले पार्ट में बता रहा था दी एंटी क्राइस्ट, और मैं आपको बता रहा था कि यूहन्ना अपनी पत्री में, पहला यूहन्ना के 2 अध्याय में लिखता है, यूहन्ना कहता है देयर आर मेनी एंटी क्राइस्ट, बहुत से मसीह विरोधी हैं, छोटे छोटे एंटी क्राइस्ट। फिर वो बात करता है द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का रूह। फिर वो बात करता है दी एंटी क्राइस्ट के विषय में, हालेलुया। और कल हमने परमेश्वर के कलाम में से बहुत गहरी गहरी बातें सीखी, जिन्हें आज मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम उसी कड़ी से आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है द हार्बिंजर ऑफ द कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी की आमद के आगे क्या आएगा। जैसे प्रभु यीशु की आमद के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, तो शैतान की आमद के पहले क्या आएगा। और कल मैं आपको बता रहा था फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठी शिक्षा, स्पिरिचुअल डिसेप्शन, फॉल्स साइंस एंड वंडर्स, झूठे चिन्ह और चमत्कार। आपको मालूम मिरेकल्स प्रूव नथिंग अबाउट अ मैन ऑफ गॉड। कुछ लोग अपनी वैलिडिटी चाहते हैं मिरेकल्स के द्वारा। परमेश्वर आपकी और मेरी जो हम सेवा करते हैं उसकी वैलिडिटी गिफ्ट्स में नहीं ढूंढता है, फ्रूट में ढूंढता है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम उन्हें उनके वरदानों से जानोगे, कि चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, गैब की बातें जानने का वरदान है। यीशु मसीह ने कहा तुम उन्हें जानोगे उनके फल के द्वारा,
फ्रूट एंड द गिफ्ट. आपने कभी डव देखा? डव जिसे जो जैसे लिखा यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा डव की सूरत में आया, कबूतर नहीं है, डव जिसे फाख्ता कहते हैं, कभी आप उसे देखें, बहुत इनोसेंट बर्ड है वो. आपके हाथ में आ जाएगा फाख्ता, उसके दोनों विंग्स खोलें, उसके ऐसे पंख खोलेंगे, दोनों विंग खोलेंगे और काउंट करेंगे, एक एक विंग में नौ नौ पंख होते हैं, नौ पंख इधर, नौ पंख इधर, दो विंग्स. ये है गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट. ये दोनों मिलके उड़ान लेते हैं. हालेलुया. यीशु मसीह आपके पास आपके आपके वरदान खाने नहीं आएगा, यीशु मसीह आपके पास आएगा आपके जीवन में फल की आशा रख के. हालेलुया. तो यीशु मसीह मत्ती रची सुसमाचार में कहते हैं, तब मुझसे बहुत से लोग कहेंगे, लॉर्ड लॉर्ड हैव वी नॉट परफॉर्म्ड साइंस एंड वंडर्स इन योर नेम, हैव वी नॉट डन मिरेकल्स एंड हीलिंग इन योर नेम. वो प्रभु से कहेंगे, प्रभु प्रभु क्या हमने तेरे नाम में चमत्कार नहीं किए, बड़े बड़े निशान पैदा नहीं किए? तो प्रभु कहता है, दूर हो जाओ दुष्टो मुझसे, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानता, ई वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी. तो वो जो चमत्कार और चिन्ह, जो बड़े बड़े काम वो लोग दिखाते थे, वो यीशु मसीह की नजर में बदकारी कैसे बन गए? इनिक्विटी. आपको मालूम है इनिक्विटी के लिए मैंने आपको सिखाया, इनिक्विटी गहरा पाप है जो डीएनए में चलता है. इनिक्विटी इज योर नेचर एट डिफॉल्ट. इनिक्विटी इज इननेट प्रोपेंसिटी फॉर इवल. इनिक्विटी आपके अंदर बेंट है, एक नेचुरल बेंट है बदकारी के लिए. अंदर से अपने डीएनए में आप जलेबी की तरह टेढ़े हैं, वो जो टेढ़ापन है वो है इनिक्विटी. यीशु मसीह कहता है, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी. यीशु मसीह ने मिरेकल डिनाई नहीं किए, साइन वंडर डिनाई नहीं किए कि तुमने नहीं किए. यीशु मसीह ने उनको डिनाई कर दिया जिन्होंने किए. क्यों? क्योंकि वो चिन्ह और चमत्कार करते करते चिन्ह और चमत्कारों की मर्चेंडाइज कर रहे थे, चिन्ह चमत्कारों की ग्राउंड पे बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, चिन्हों चमत्कारों को बेच रहे. मालूम आपको, शमौन के पास, पतरस के पास एक जादूगर आया, इल्मस जादूगर, वो उन्हें पैसे देने चाहता था कि मैं पैसे देता हूं ये वरदान मुझे मिल जाए. तो प्रभु के दास ने कहा, योर मनी पेरिश विद यू, तेरा धन तेरे साथ ही गर्क हो जाए. तो भाई और बहनों, यीशु मसीह उन्हें कहता, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, अधर्म के करने वाले, जो मत्ती रची सुसमाचार अध्याय में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते. मैं कल आपको बता रहा था, जो अनसेव्ड है, अन्य जाति के लोग हैं, शैतान उन्हें पहले ही भरमा चुका है. तो अंत के दिनों में जब एंटी क्राइस्ट आएगा, मसीह विरोधी, तो मैंने आपको बताया, भरमाने वाला रू उतरेगा. तो भरमाएगा किन्हें? शैतान भरमाएगा हमें. यीशु मसीह कहते हैं, इतना ज्यादा स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन होगी, भरमाने वाला रूह होगा. पहला तिमोथियस 4 अध्याय के 1 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो प्रचारक जो होंगे कलीसिया में, वो सेवक जो होंगे कलीसिया में, बिशप्स बड़े बड़े और बड़े बड़े पापा डैडी और बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रॉफेट एंड अपोस्टल्स होंगे, उनके अंदर भरमाने वाली रूह काम करेगी. भरमाने वाली नूमा प्लेनो, प्लेनो नूमा भरमाने वाली. प्लेनो ग्रीक वर्ड, जहां से वर्ड प्लेनेट निकला है, ऊपर जो भटकने वाले प्लेनेट हैं, जिनके विषय में यहूदा अपनी पत्री में लिखता है. वो जो भटकने वाले प्लेनेट हैं, जो यहूदा अपनी पत्री में लिख रहा है, वो फॉलन एंजल्स हैं, बदरुए हैं, दुष्ट आत्माएं हैं. वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, प्लेनो नूमा एंड डास्किया डायमोन डायमोनियन और बदरुओं की शिक्षा देंगे. दे विल बी सेड्यूस्ड बाय दोज स्पिरिट्स ऑफ द वॉचर्स, प्लेनोनोमा, स्पिरिट्स ऑफ परवर्जन, डिसेप्टिव स्पिरिट्स विल मेस्मराइज देम एंड दे विल प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ द डेविल्स, दे विल नॉट टीच एंड प्रीच द इनएरेंट इनफॉलेबल ट्रू एंड एवर लिविंग वर्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. दे वोंट प्रीच दिस. हालेलुया. तो ये झूठा प्रचार वो करेंगे. और यूहन्ना उनके विषय में लिखता है, पहला यूहन्ना 2:18 में वो कहता है, वो हमारे बीच में से निकल के गए हैं.
दे वर विद अस बट दे वर नॉट ऑफ अस, वो हमारे बीच में थे पर हमारे नहीं थे, इसलिए हमारे बीच में से निकल के चले गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतानी सीड था। तो यहाँ पे पहला यूहन्ना 2:18 में किसकी बात कर रहा है? एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट की बात कर रहा है, एंटी क्राइस्ट के विषय में, मसीह विरोधी के विषय में। मैंने बोला तीन बातें कहता है, दी एंटी क्राइस्ट, बहुत से मसीह विरोधी जो आते रहे हैं युगों में, और फिर कहता है एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का रूप, फिर कहता है दी एंटी क्राइस्ट, और वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? वो यहूदा इस्करियोती की ओर इशारा कर रहा है। वो हमारे संग था, हमारे बीच में था, सेवा का हिस्सा था, चुना गया था, अलग किया गया था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसको मिला, वो बुदरुए भी निकालता था, सारे मौजे करता था, लेकिन वो शैतान की ओर से था। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में दो लोग हैं, ध्यान से पढ़िए, दो लोग जिन्हें बाइबल कहती है विनाश का पुत्र, बाइबल कहती है सन ऑफ प्रेडिशन, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश का पुत्र। किसे किसे कहती है? पहले तो कहती है यहूदा इस्करियोती को, और दूसरा कहती है एंटी क्राइस्ट को। मसीह विरोधी विनाश का पुत्र है, और यहूदा इस्करियोती भी विनाश का पुत्र है। आपको मालूम बाइबल में, ध्यान से बाइबल को पढ़ें, बाइबल में दो लोग हैं जिनको लूसीफर ने, जिसका असली नाम यशाया नबी की पुस्तक 14 में, हिब्रू में उसका नाम है हीलियल बेन शखार, हीलियल बेन शखार या लूसीफर। आपको मालूम दो कौन से बंदे जिनके अंदर वो घुसा? एक तो वो घुसा यहूदा इस्करियोती के अंदर, बाइबल बताती है He possessed Judas Iscariot. उस रात उसने यहूदा इस्करियोती के अंदर वो घुस गया लूसीफर, और ताकि वो अपने स्वामी को पकड़वाए। और दूसरा जिसके अंदर शैतान घुसेगा वो होगा एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट एक मनुष्य होगा और यहूदी होगा, उसके अंदर घुस जाएगा। कौन? हीलियल बेन शखार, लूसीफर उसको पजेस कर लेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ खास बातें। यहूदा इस्करियोती एंटी क्राइस्ट की तस्वीर है। बाइबल में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, यहूदा इस्करियोती की, और एक सुलेमान की दिखाऊंगा आज आपको तस्वीर में, एंटी क्राइस्ट की तस्वीरें। दानियल नबी की पुस्तक पढ़ें तो दानियल नबी बताता है जो एंटी क्राइस्ट होगा वो लवर ऑफ मनी होगा, पैसे से प्यार करने वाला। मनी 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 मनी, बहुत सी सेवकाइयां हैं जहां पे सिर्फ प्रचार है पैसा पैसा पैसा। ऐसे ऑनलाइन सर्विस चलती है, और ऐसे इधर नीचे जो जगह है ना वहां पे बैंक अकाउंटों के नाम फ्लैश करते हैं, कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं, कौन कौन सा गूगल पे है, कौन कौन सा फलाना पे, ढिमका पे, ये पे, वो पे। मनी, एंटी क्राइस्ट विल बी लवर ऑफ मनी। यहूदा इस्करियोती भी लवर ऑफ मनी है, पैसे से प्यार करने वाला है। उसके पास बैग रहता है और वो चोरी करता है, और वो अक्सर उसमें से चोरी करता है। हालेलुया। तो ये सन ऑफ प्रडिशन, विनाश के पुत्र हैं, विनाश के पुत्र यहूदा इस्करियोती, और जो आने वाला है एंटी क्राइस्ट वो भी है विनाश का पुत्र। आपको मालूम उस रात्रि जब यीशु मसीह भोज कर रहा था चेलों के साथ, फसा का भोज कर रहा था, और यीशु मसीह तीसरे कटोरे को उठा रहा था, पास ओवर सीडर का तीसरा प्याला, कप ऑफ ब्लेसिंग, और वो रोटी तोड़ रहा था, तो उसने कहा वो जो मुझे पकड़वाएगा उसकी निशानी बता रहा था। तो चेले कह रहे थे प्रभु क्या वो मैं हूं, प्रभु क्या वो मैं हूं। तो हम देखते हैं कि चेलों में से कोई नहीं जानता था कौन है जिसके अंदर लूसीफर घुस गया है, कौन है जो विनाश का पुत्र है, कौन है जो स्वामी को पकड़वाएगा। तब तक नहीं जान पाए जब तक यीशु मसीह ने प्रकट नहीं किया। तो हम पर भी ये भेद भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा ही प्रकट करेगा। आपको मालूम अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12 वहां पे, मैं कुछ पढ़ दूं आपके लिए, जॉन चैप्टर नंबर 12, मैं ज्यादा वचन पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको स्क्रिप्चर कोट करूंगा, क्योंकि हम कुछ ज्यादा गहरी बातें आज कवर करेंगे, हो सकता है एक सेशन मुझे बाद में करना पड़े।
तो योना 12 में यहाँ पे लिखा आफ्टर सिक्स डेज, योना 12 के 1-2 एक वचन से, देन सिक्स डेज बिफोर पास ओवर, फसा से 6 दिन पहले, यीशु मसीह के क्रूस जाने से 6 दिन पहले बैतनी में यीशु मसीह गया, वहां लाजर था जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया, देयर दे मेड हिम सपर, वहां उन्होंने प्रभु के लिए भोज किया, मार्था सर्व्ड, सेकंड वर्स में लिखा देयर दे मेड हिम सपर, वहां यीशु मसीह के लिए भोज किया उन्होंने, और लिखा है मार्था सर्व्ड, मार्था सेवा कर रही थी, क्योंकि मार्था का वरदान है सेवा करना, मार्था सेवा कर रही है, लाजरस वॉज वन ऑफ देम दैट सैट एट द टेबल विद हिम, लाजर टेबल पे बैठ गया है, सेवा कौन कर रही है, मार्था। आज भी बहुत से लोग हैं चर्च में, कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे की खास जगहों पे बैठना पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो उधर तंबू के बाहर तन्हाई में बर्तन धो रहे होते हैं, कुर्सियां साफ कर रहे होते हैं, फ्लोर साफ कर रहे होते हैं, दरियां डाल रहे होते हैं। तो यीशु के संग बैठा है लाजर, लेकिन मार्था क्या कर रही है, सेवा कर रही है, हालेलुया। और लिखा है Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the oil. Besh kinti itar lekar aayi, very expensive. Ye wo itar hai, fragrance hai, jo rajaon ke paas hoti hai. Raja log rakh sakte hain, itni expensive hai. Aur wo us shishi ko kahan pe udel rahi hai? यीशु मसीह के चरणों में। उसने यीशु मसीह के सिर पे उड़ेलने का साहस नहीं किया, यीशु मसीह के चरणों पे उड़ेल रही। आपको मालूम मरियम यीशु मसीह के चरणों से लिपटती है, मरियम को मालूम है यीशु मसीह के पांव सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पांव हैं, यीशु मसीह के पांव ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले यशस्वी और विराट परमेश्वर यहोवा के पांव हैं, और यीशु मसीह के पांव के नीचे जन्नत है, यीशु मसीह के पांव के नीचे शमायम है, हेवन है, यीशु मसीह के पांव के नीचे हर खुशी है। वो यीशु मसीह के पांव पे कीमती से कीमती चीज उड़ेल देती है, पूरी की पूरी, सरफा नहीं करती। और क्या लिखा यहां पे, हालेलुया, यहां पे लिखा है उसने जब पांव पे उंडेल दिया और अपने बाल खोल के उन्हें पोंछने लगी है, पांव को एनॉइंट कर रही है यीशु मसीह के चरणों को, दुनिया की कीमती से कीमती चीज भी यीशु मसीह के पांव के लायक नहीं है, वो इतना महान और इतना विराट है, जो उससे प्यार करते हैं वो सब कुछ उसके पांव में उंडेलते हैं, और जो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते वो ऐसे मुट्ठी बांध के रखते हैं, प्रभु के लिए छोड़ते कुछ नहीं है, वो मुट्ठी बांध के रखते हैं, लेकिन जो जानते हैं यीशु कौन है वो कीमती से कीमती शय उसके पांव में उंडेल देते हैं, हालेलुया। तो उसकी खुशबू से सारा घर भर गया। आपको मालूम क्या हुआ, उसकी खुशबू से घर भर गया, घर की खिड़कियों से खुशबू निकल के गलियों में तैरने लगी, पूरा मोहल्ला एरिया उस फ्रेग्रेंस से भर गया, क्योंकि ये खुशबू वो खुशबू है जिसने यीशु मसीह के पांव को छू लिया है, हालेलुया। वो शारोन का गुलाब है यीशु मसीह, वो फ्रेग्रेंस है, स्वर्गीय इत्र है खुदावंद यीशु मसीह, उसके चरणों को जब उसने छू लिया वो जो खुशबू है भाइयों बहनों, अद्भुत फ्रेग्रेंस, उससे घर भर गया, घर के बाहर निकल गई, गली में मोहल्ले में पूरे इलाके में वो खुशबू फैल रही है। अब सुने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है बट वन ऑफ हिज डिसाइपल्स जूडस इस्करियोट साइमन सन हु शुड बिट्रे हिम। अब कौन खड़ा है वहां पे, यहूदा इस्करियोती, जो उसको पकड़वाएगा, उसे दगा देगा, चुम्मा लेके उसे बिट्रे करेगा, वो वहां पे है। और क्या लिखा है यहां पे, वर्स नंबर 5, व्हाई वाज दिस फ्रेग्रेंट ऑयल नॉट सोल्ड फॉर 300 दिनारीज एंड गिवन टू द पुअर। ये कीमती इत्र 200 दिनार का बेचा क्यों नहीं गया और गरीबों को क्यों नहीं दिया गया। जूडस इस्करियोट जो है, यहूदा इस्करियोती, उसके पेट में दर्द हुई जब मरियम ने अपनी मेहनत की कमाई जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके एक कीमती तोहफा यीशु मसीह के लिए खरीदा, और उसने सोचा
कि अगर यीशु मसीह के पांव पे इसे जगह मिल जाए तो ये इत्र धन्य हो जाएगा। वो इत्र पूरी फजा में फैल गया। आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह वही इत्र अपने बदन में समेट के क्रूस पे चढ़ गया। यीशु मसीह का खून और वो इत्र मिल गए आपस में। हालेलुया। और उस जलाली यीशु को उन्होंने क्रूस से उतार के जो हमारे लिए मर गया कब्र में लपेट दिया। वो कब्र यीशु के शरीर में लगे खून से मिक्स हुए इत्र से महक रही थी और वो औरतें सूंघ रही होंगी जाके जब वो मुर्दों में से जी उठा। यहूदा इस्करियोती जो है ये टाइप ऑफ द एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। इसके अंदर चोर है, ये प्रिटेंड करता है, दिखावा ऐसे करता है दैट ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर, दैट ही इज वेरी बेनेवोलेंट, दैट ही इज वेरी कंपैशनेट टू द पुअर एंड ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द पुअर। वो ये दिखाता है कि वो बड़ा दयालु है, उसका हृदय बड़ा प्रेम से भरा है और वो गरीबों की सहायता करना चाहता है। एंटी क्राइस्ट हमेशा अपने आप को अलग रोशनी में पेश करता है। आपको मालूम यीशु मसीह फरीसियों सदूकियों को यहूदी धर्म के ठेकेदारों को बोलते हैं हिपोक्रेट, पखंडी। आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है हुपोक्रुटोस। आपको मालूम इसका सिंपल सा मतलब क्या है? ग्रीक में हिपोक्रेट का, पखंडी का असली मतलब है एन एक्टर। एक्टर जानते हैं जो अभिनय करता है, उसे किरदार दिया गया है, वो असल में है नहीं लेकिन वो किरदार प्ले करता है। ये है धर्म के मजहब के ठेकेदार, एक्टर, प्रिटेंडर। तो ये बहुत बड़ा एक्टर है, अपने आप को अलग रोशनी में पेश करता है कि वो उन गरीबों, दुखियों, लाचारों की सुधि लेना चाहता है जो सोशल इनजस्टिस के विक्टिम बने हैं। गरीबों को, कंगालों को वो देना चाहता है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार 16:8 तो वहां पे लिखा है, मत्ती 26:8 वहां पे लिखा है वाई वेस्ट, ये इतना कुछ वेस्ट क्यों किया यीशु मसीह के पांव? वो सृष्टि का रचिता, ब्रह्मांडों को बनाने वाला, वो उन खरबों किस्म के फूलों को जिसने बनाया, खरबों किस्म के पेड़ों को बनाया जिनमें से रस निकल के इत्र बनते हैं, वो मालिक स्वामी, उसके चरणों में एक औरत ने जो यीशु मसीह के चरणों से प्यार करती है, उसने अपनी कमाई से वो इत्र उंडेला है और अपने बालों से पूछ रही है। लेकिन इनको, यहूदा इस्करियोती को जिसके अंदर एंटी क्राइस्ट है, उसके पेट में दर्द हो रही है, तो यहूदा इस्करियोती कहता है ये बेकार क्यों किया, वेस्ट क्यों किया ये। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे मरकुस 14:4 में तो वहां पे लिखा है कुछ दूसरे चेले भी कहते हैं, मतलब कि यहूदा इस्करियोती जिसके अंदर द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट है, ही इज अ प्रिटेंडर, ही पोजेस हिमसेल्फ टू बी अ वेरी बेनेवोलेंट and very kind towards poor and he shows himself that he wants to take care of those downtrodden people who have become the victim of social injustice but he is not that. wo hai nahi, wo apne aap ko alag roshni mein pesh karta hai. aur markus ab matti 26 ka 8 aur markus 14 ka 4 agar milayenge wo dusre chelon ko bhi bhadkata hai, unme se kuch dusre chele bhi ye baat kehte hain. hallelujah. to wo aisa मास्टरमाइंड है, इंस्टिगेटर है, दूसरों को भी अपनी कॉन्स्पिरेसी में ले लेता है, उनको भी वो सोचने पे मजबूर कर देता है जो वो सोच रहा है। तो यहूदा जो है वो अपने आप को ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन दिखाता है, गरीबों का मसीहा और गरीबों की सुधि लेने वाला, पर वो मास्क के पीछे अपने आप को छिपाए हुए है, मैस्करेड कर रहा है अपने आप को, अपने अंदरूनी मोटिव, क्योंकि इतनी मोटी रकम यीशु मसीह के चरणों पे उंडेल दी गई, वो उसकी थैली में आती तो वो उसमें से चोरी करता। शायद मेरी ये विचार है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शायद इस एंटी क्राइस्ट को वही प्रेजेंट करेगी और बहुत ह्यूमैनिटेरियन, फिलोंथ्रोपिक अपने आप को वो प्रस्तुत करेगा एंटी क्राइस्ट और दुनिया को धोखा देगा। हालेलुया।
आपको मालूम बहुत सी सेवकाइयां वो आत्मा में शुरू हुई लेकिन बाद में वो ह्यूमैनिटेरियन बन गई, उन्होंने आत्मिक दर्शन खो दिया, केवल वो सीमित रह गए लोगों की शारीरिक सेवा करने तक। वर्ल्ड विजन ले लीजिए, क्रिश्चियन एड इंटरनेशनल ले लीजिए, और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन्होंने अपना आत्मिक दर्शन खो दिया, केवल ह्यूमैनिटेरियन रह गए। प्रभु बताते हैं कि जो डिसेप्शन अभी पृथ्वी पे है, कलीसिया उसे ही समझ नहीं पा रही, पासवान उसे समझ नहीं पा रहे, लीडर्स अगुवे वो ही नहीं सिखा रहे सबके लोगों को, तो जो डिसेप्शन आने वाली है उसे लोग कैसे समझने पाएंगे, परमेश्वर के कलाम को कैसे समझेंगे। आपको मालूम ये एक जूश किताब है, यहूदी पुस्तक है, इसे ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में, हेलेनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसे अनुवाद किया गया है, ये ईस्ट की किताब है, इसे वेस्टर्न थिंकिंग के मोल्ड में लाके लोग इंटरप्रेट करते हैं। आपको मालूम यहूदी लोग कलाम को कैसे समझते हैं, मिद्राशिक ढंग है एक समझने का, कलाम को समझने का एक ढंग है जिसे मिद्राश बोलते हैं। मैंने आपको चार लेवल एक बार सिखाए थे परमेश्वर के कलाम के, कि चार लेवल पे कैसे परमेश्वर के कलाम को समझा जाएगा। जैसे यहूदी लोग कहेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार को बसोरा वे के हो योहानन, बसोरा जो सुसमाचार है जिसे हम गॉस्पल कहते हैं, गॉस्पल के लिए हिब्रू वर्ड है बसोरा, बसोरा का मतलब होता मांस, मत्ती के द्वारा लिखा गया यीशु मसीह का मीट या मांस, मरकुस के द्वारा रचा गया यीशु मसीह का मीट या मांस। हालेलुया। तो मिद्राशिक ढंग जो है वो अलग है परमेश्वर के कलाम को समझने का। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, मिद्राश में से लोग कैसे समझते हैं कि यूहन्ना में क्रिएशन की कहानी, सृष्टि की रचना की कहानी बताई गई है। उत्पत्ति की पुस्तक में यहोवा सृष्टि की रचना कर रहा है, शारीरिक सृष्टि की, लेकिन यूहन्ना की इंजील में वो नई क्रिएशन की, नई सृष्टि की रचना कर रहा है। जैसे उसने पुराने में किया वैसे परमेश्वर नए में कर रहा है। जैसे उसने पुराने में अंधेरे को रोशनी से अलग किया, रोशनी को अंधेरे से अलग किया, वैसे ही वो रोशनी को अंधेरे से कर रहा, अलग कर रहा है। जैसे परमेश्वर का आत्मा पानियों के ऊपर मंडला रहा है ताकि परमेश्वर सृष्टि की रचना करे, वैसे ही परमेश्वर का रूह अब पानियों के ऊपर मंडला रहा है ताकि परमेश्वर नई सृष्टि करे। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर बना रहा है एक छोटी रोशनी रात पे राज्य करने के लिए, एक बड़ी रोशनी दिन पे राज्य करने के लिए, वैसे यूहन्ना की इंजील में वो भेज रहा है एक छोटी रोशनी जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर वो भेज रहा है ग्रेटर लाइट जो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम खुदावंद यीशु मसीह नथैनियल को अपनी तरफ आते देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में, और यीशु मसीह कहते हैं देखो सच्चा इसराइली जिसके अंदर कपट नहीं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जिसके अंदर पाप नहीं, क्योंकि वचन कहता सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब भ्रष्ट हुए और अपना अपना पथ सबने ले लिया। यीशु मसीह कहते इसमें कपट नहीं है, कपट, गाइल, कपट समझते हैं आप, मनुष्य के अंदर एक चतुराई, छल। प्रभु कहते हैं नथैनियल के अंदर छल नहीं है। आपको मालूम नथन एल जो शब्द है इसका मतलब क्या है, प्रभु की ओर से दिया गया गिफ्ट, प्रभु की ओर से दिया गया वरदान। तो प्रभु कहते हैं मैंने तुझे अंजीर के दरख्त के नीचे खड़े देखा। आपको मालूम मिद्राशिक जो ढंग है उसमें यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, बिल्कुल यीशु मसीह ने उसे अंजीर के दरख्त के नीचे खड़े देखा, लेकिन यीशु मसीह इससे भी गहरी बात कह रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुझे अदन के बाग से देखा। आपको मालूम जूश लोग क्या मानते हैं, जूश लोग मानते हैं कि जीवन का जो वृक्ष है वो अंजीर का दरख्त है, फिग ट्री है, द ट्री ऑफ लाइफ। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे अदन के बाग से जानता हूं, केवल इस फिग ट्री अंजीर के वृक्ष से नहीं जानता, बल्कि अदन के बाग से मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर खोलता है तभी हम समझ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक के विषय में लिखा है कि ये सील्ड किताबें हैं, तब तक नहीं समझ आएगी जब तक पवित्र आत्मा इन्हें खोल
खोलता नहीं है, पर एंड टाइम में इन दिनों में परमेश्वर अपने भेदों और रहस्यों को खोल रहा है। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर ये पुस्तक कब खोलेगा पूरी तरह? जब कलीसिया अपनी जूइश रूट की तरफ मुड़ेगी, जानेगी कि यहूदी पुस्तक है, जूइश लोगों की किताब है, और उनका कस्टम, उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके फ्रेजेस, उनके idioms, उनके metaphors, उनके puns, उनकी linguistic style को समझेंगे, तब ये पुस्तक समझ आएगी। रोमियो 11 अध्याय पढ़ लीजिए, वेस्टर्न और हेलेनिस्टिक ग्रीक जेंटाइल स्टाइल से ये आपको समझ नहीं आएगी। ईस्टर्न पुस्तक है, वेस्टर्न माइंडसेट से पढ़ने की कोशिश मत करें इसको। हालेलुया। तो मैं आपको बताऊंगा एंटी क्राइस्ट के जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं बाइबल के अंदर, जो 666 वर्ड मैंने आपको पहले सेशन में बताया, 666 and 6। तो मैं ये जो 666 है, 666 आपको मालूम, नीरो से लेके मुसोलिनी, हिटलर, हेनरी किसिंजर, उसके बाद रोमन कैथोलिक चर्च के अलग अलग पोप, और उसके बाद बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कई हेड, और इस्लामिक खलीफेट के बड़े बड़े हेड, कई लोगों के नाम को लोगों ने इंटरप्रेट किया कि ये 666 हैं, 666 हैं, 666 हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको और मुझे सबसे पहले इस पुस्तक को खंगालना है अच्छी तरह, बाहर जाने से पहले, कि बाहर कहां 666 है, 666 कहां है, इसके अंदर 666 है। हालेलुया। और वो एंटी क्राइस्ट है जो वापस लौटेगा। मैंने एक उदाहरण आपको यहूदा इस्करियोती का दिया, दूसरा जो है मिसाल, उसके ऊपर आज हम 6 बजे, 6 o'clock एक और अध्ययन करेंगे, और हम सोलोमन जो 666 के संग जुड़ा हुआ है, उसका जीवन 666 से और एंटी क्राइस्ट के रूप से कैसे जुड़ा है, वो हम 6 बजे आज फिर अध्ययन करेंगे। तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे कुछ लोगों के लिए। मीनू सूद जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मीनू सूद जी, अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो प्लीज शो अप ऑनलाइन। हालेलुया। सबसे पहले हम प्रिंस पॉल को और उनके भाई मनीष पॉल को, जो यूक्रेन में शायद फंसा है, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम मनीष पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं, वो यूक्रेन से सेफ एंड साउंड आ जाए। उसके लिए मार्ग खोल दीजिए प्रभु, अपने पवित्र लहू की कुदरत के द्वारा मनीष पॉल पे कृपा कर लीजिए। आपका लहू छिड़कते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, अब हम प्रार्थना करते हैं मीनू सूद जी के लिए जो हमारे संग जुड़ी है, उनके पति के लिए सतीश सूद के लिए, और उनके बेटे के लिए जो कैनेडा में रहता है, उनकी बहू के लिए, सबको प्रभु जी हम आपके कील्शिदे हाथों में देते हैं। आपका लहू इनके ऊपर छिड़कते हैं, इनके परिवार घराने में प्रभु जी आपका आत्मा अलौकिक रीति से कार्य करे, आपके खून की जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह, आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अजय सूरी के लिए, अजय सूरी की मदर के लिए, आपका खून इनके ऊपर छिड़कता हूँ खुदावन। प्रभु, मैं भाई बॉबी आर्ट के लिए, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपका खून इनके ऊपर छिड़कता हूँ। प्रिंस पॉल के लिए प्रभु, सुखवीर कौर को, उनके घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ। प्रभु, मैं अमोस भट्टी को, उनके परिवार घराने को आपके लहू के साय के नीचे लाता हूँ। लॉर्ड, आई प्रे फॉर सत्य पॉल, दैट यू वुड ब्लेस सत्य पॉल। लॉर्ड, आई डू नॉट नो दिस पर्सन, बट यू नो दिस पर्सन, आई प्रे फॉर योर ब्लेसिंग to fall upon Satya Paul in the name of Jesus. Lord, I also pray for Mahindra Kirtaniya. Bless Mahindra Kirtaniya. Let your mighty hand be upon Mahindra Kirtaniya in the mighty name of Jesus. Lord, bless Vipin Sharma. I pray in the mighty name of Jesus. Lord, I pray that you bless Gurvinder Singh. Lord, let your hand be upon Gurvinder Singh. Let your hand be upon Preet Parmar. I bless Preet Parmar in the name of Jesus. I speak your blessing over Pooja Bisht. ब्लेस पूजा विष्ट। लॉर्ड, तेरे लहू की कुदरत को पूजा विष्ट के ऊपर मैं खोलता हूँ, तेरा लहू छिड़कता हूँ पूजा विष्ट पे। लॉर्ड, आई ऑल्सो प्रे फॉर पास्टर लखविंदर।
I pray for all the young people that work with him. Lord, bless him. Open door for him. Make room for him, Lord. Enlarge his territory, I pray in the name of Jesus. Teri blessing ko kholta hun Lakhvinder bhai ke upar. Hale Prabhu, main Sonu Chamba ko tere lahu mein chipa deta hun. Teri blessing ko kholta hun Sonu Chamba ke upar. Hallelujah. Prabhu, Asha ji ko apne lahu mein chipaiye. Apni dasi ko apne khoon ki ot mein rakhiye. Prabhu ji, Agnes Lal ko apne lahu mein chipaiye. A.M. Shergill ko apne lahu mein chipaiye. Lord, I pray for Natasha Bisoon. Bless Natasha Bisoon, Lord, from Trinidad and Tobago. Bless Gurdeep Singh. Bless Tara Bansal. Lord, I bless Tara Bansal, Vineet Bansal, their household. I cover them under the blood. I bless Rajveer Singh. Plead your blood. Lord, bless Sabi Surjeet. Bless his mother and father. Bless his brother and his family. I, Lord, speak your blessing over Sabi Surjeet in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभुजी शीतल विक्की नेगी को अपने लहू में छिपाइए. सुखी हंस को अपने लहू में छिपाइए खुदावन. डेजी वीएस को अपने लहू में छिपाइए. पलूस खोखर के लिए एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ का लहू छिड़कता हूँ. लॉर्ड आई प्रे फॉर सरेंद्र कुमार स्पिरिचुअल ग्रोथ. प्लीड योर ब्लड ओवर हिम. हालेलुया, तेरे लहू की जय. प्रभु, मैं आरती लाखा को तेरे लहू में छिपाता हूँ. आरती लाखा के ऊपर तेरी ब्लेसिंग और तेरे खून की कुदरत को खोलता हूं खुदावन. हालेलुया, थैंक यू प्रभु जी. जाशुआ पांडू को आपके लहू में छिपाता हूं. लॉर्ड ब्लेस जाशुआ पांडू. लेट योर हैंड बी अपॉन जाशुआ पांडू इन द नेम ऑफ जीसस. लॉर्ड आई प्रे फॉर भगवत प्रसाद. लेट योर हैंड बी अपॉन योर सर्विंग भगवत प्रसाद इन द नेम ऑफ जीसस. Lord, I pray for Thakur Sunil. I plead your blood over Thakur Sunil. Lord, I plead your blood over Renu Singh. I pray for Pavan, Renu Singh's brother, in the name of Jesus. Lord, I pray for Emmanuel Cohen from Israel. Let your hand be upon brother Emmanuel Cohen. Lord, bless Tinu Heer. Let your hand be upon Tinu Heer, Lord. Hallelujah. Tere lahu ki jai ho. Prabhu, tera dhanyavaad ho. Dhanyavaad. Gurvinder Singh ko Prabhu अपने खून में छिपाइए. लॉर्ड, आई ब्लेस लीना डेविडसन. लेट योर हैंड बी अपॉन लीना डेविडसन. हालेलुया. महीर जी को अपने लहू में छिपाइए खुदावन. अपने खून के साए के नीचे लाइए महीर जी को. मीना चड्डा को एक बार फिर आपके खून के साए के नीचे लाता हूँ खुदावन. हालेलुया. आपकी बरकत आपके लोगों पे हो यीशु मसीह. आपका धन्यवाद हो. धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी. मैं दीप कौर के लिए प्रार्थना करता हूँ हुशियारपुर में. उनकी मदर के लिए, नरेंद्र कौर के लिए प्रभु से चंगा करना. दीप कौर के खानदान में आपका आत्मा काम करे प्रभु जी. ऐसा काम करना इनके परिवार में. हालेलुया प्रभु जी. विनोद लाल, एग्नेस लाल को अपने लहू में छिपाना प्रभु. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. प्रार्थना को आपने ग्रहण किया. यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं. आमीन. आमीन. जय मसीह की. प्रभु आपको आशीष दे. जय यीशु मसीह.